हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 08। और डिफरेंशिएशन के लेक्चर नंबर 08 में हम लॉगरिथमिक फंक्शन के एग्जांपल को सबसे पहले कवर करेंगे। और लॉगरिथमिक फंक्शन का हम लोग जो है इंट्रो कर चुके हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने क्या किया, एनसीईआरटी ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेपरेट एक एक्सरसाइज में कंप्लीट किया है और लॉगरिथमिक फंक्शन को एक सेपरेट एक्सरसाइज में कंप्लीट किया है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग लेक्चर नंबर 07 में कंप्लीट कर चुके हैं और लॉगरिथमिक फंक्शन जो है हमारा वो हमारे बचे हुए हैं, तो सबसे पहले हम उसे डील करते हैं, ठीक है। एग्जांपल 30 में कहता है डिफरेंशिएट स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट एक्स माइनस 3 इनटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ठीक है। तो क्या करना है हमें कि अब हमें लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते थे तो हमें आंसर मिल जाता था, लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। टाइम टेकन होगा सारा आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का और इसको आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और अगर न्यू है चैनल पे हमारे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो हम कुछ मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, y हमने मान लिया इस फंक्शन को, ठीक, ताकि इजी हो हमें सॉल्यूशन करने में, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम लोग ले लेते हैं बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। तो बोथ साइड पे लॉग ले लेंगे, ठीक है। ये लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट को मैं क्या करता हूं, सॉरी रूट को मैं क्या करता हूं, यहां से रिमूव करता हूं, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहां स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज कर लेते हैं, x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 5, ठीक है। और रूट का वैल्यू कितना होता है, हाफ। हमें पता है, ठीक है, कि लॉग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग से, ठीक है, लॉग x रेस टू द पावर अगर n होता है तो क्या होता है कि पावर आगे आ जाता है ना, n log x होता है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करके क्या करेंगे, इसकी पावर को आगे लिखेंगे। तो log y इज इक्वल टू इसके पावर आगे आ जाएंगे, ठीक है, हाफ हो गया। अब यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि न्यूमिनेटर को ध्यान रखना है, न्यूमिनेटर को, कि आपको प्रॉपर्टी पता है कि log m इंटू एन इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी में इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। लॉग एक्स प्लस 3 जो माइनस है, एक्स माइनस 3 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब जरा सा सोचिए, अगर इसी फंक्शन में हम क्या करते हैं, एन डिवाइड में कर दें, ठीक है, एन नहीं कुछ और ले लेते हैं, यहां से मान लो पी ले लिया मैंने, ठीक, सपोज दैट इज फंक्शन के लिए पी, तो फिर डिवाइड का प्रॉपर्टी क्या, माइनस लगाओगे और लिखोगे लॉग पी, ठीक है। तो माइनस लॉग, ठीक है, पी के प्लेस पे क्या है, मैंने मान लिया है रैंडमली ऐसे ही मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है, लॉग 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 5, ठीक है, और ये स्क्वायर है। आपको जो है ना लॉग में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्या स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लॉग का इतनी आसानी से क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, आंसर जो है, जो क्वेश्चन गिवन होगा इतनी आसानी से मैच नहीं करेगा। अब करना क्या है कि हमें बोथ साइड पे डिफरेंशिएट करना, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, क्योंकि हमसे बोला गया ही कि x के रिस्पेक्ट में करो, तो log y का डिफरेंशिएशन करेंगे, चलो मैं शो करता हूं, ठीक है, d by dx of log y,
इज इक्वल टू, हाफ को ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। और इसको आप सेपरेटली कर लो या एक साथ में कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं तो मैं सेपरेट कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ठीक। देख लो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या है मिल जाएगा, यहां से वन अपॉन वाई मिलेगा, ठीक। और अगेन जब हम वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन में तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल, हाफ को कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया, ठीक है। और लॉग का जब डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, x के प्लेस पे x माइनस 3 है, अगेन आप करने जाओगे तो 1 मिलेगा, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, प्लस सिमिलर करेंगे इसको तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4 मिल जाएगा। लेकिन अब यहां करना पड़ेगा, देखो इसका पावर 1 था, ठीक है, ठीक है, पावर 1 था x का इसलिए नहीं किया, और यहां पे पावर जो है x स्क्वायर है तो इसको करना पड़ेगा, अगेन d by dx of एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब यहां अगर माइंड में चल रहा सवाल कि फोर का क्यों नहीं किया, फोर लेना चाहते ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलो करके दिखा देता हूं, वो तो जीरो हो जाएगा इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था, ठीक। इसका करेंगे तो मिलेगा वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, ठीक ठीक। अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक, पूरा सो करते हैं एक एक स्टेप को, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आइए जरा से लॉग वाले क्वेश्चन में जो है हमें जगह की कमी बहुत पड़ी है। अब इस y को इधर शिफ्ट करो, ठीक, तो डी वाई by dx is equal to y divided by 2, ठीक है, 1 by x minus 3 plus 1 by x square plus 4। अब ध्यान रखो, देखो 4 तो 0 होगा और x square का differentiation 2x होगा, तो directly तो 2x, ठीक है, minus 1 upon 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखो जरा 3 का डिफरेंशिएशन करते हैं, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 टू 6x, ठीक है, और 4x का करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा 4, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या 6x प्लस 4, ये आपका यहां से कंप्लीट होगा। लेकिन यहां पे आपको आंसर नहीं छोड़ना है, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू अभी हमें रखनी है, ठीक है। तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई देखें जरा सा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट में जो आपके पास में आया उसको कॉपी कर लो, तो 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, ये अपना कंप्लीट आंसर होता है, ठीक है। तो देखिए इतना काम आपको अब करना पड़ेगा जैसे आप पहले करते थे, इजिली आपको आंसर मिल जाता था, ठीक है। अच्छा 1 बाई 2 जो है आपका मिस है तो इसको कॉपी कर लो, नहीं तो बेकार हो जाएगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल 31 देखिए, एग्जाम्पल 31 में हमसे कहता है डिफरेंशिएट ए 10 टू द पावर एक्स, ठीक है, वेयर ए इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है।
इसको डिफरेंशिएट करना है तो सॉल्यूशन लिखेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड तरफ हमने क्या किया, लॉग ले लिया, ठीक है। तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग ए टेन टू द पावर एक्स होगा, ठीक है, हो गई। अब क्या करेंगे, जो पिछले क्वेश्चन में हमने फॉर्मूले का अप्लाई किए थे वही उसी को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लॉग वाई को तो हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, पावर आ गया आएगा, ठीक है आ गया, और लॉग ए आ, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, शो करके दिखाएंगे, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू, ठीक, अब सुनो यहां पे क्या करोगे कि लॉग ए को एक फंक्शन मान लो, ठीक है, या तो आप सेकेंड मान लो या तो आप फर्स्ट मान लो, डिपेंड करता वो आपके ऊपर। हम क्या करेंगे कि ऊपर वाले को नहीं मानो, नीचे वाले को मानो, ठीक है, x को मैं फर्स्ट फंक्शन मान लिया, ठीक है, और log a को सेकंड मान लिया, ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन को क्या करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, छोड़ दिया, d by dx of log a लिख दिया, प्लस log a को छोड़ दूंगा, ठीक है, और d by dx of x करूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, log a का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो x into जीरो प्लस log a को कॉपी कर लो, ठीक, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक है, और इधर आप देखें क्या मिलेगा, 1 बाई वाई, वाई के अगेन करोगे तो dy अपॉन dx मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y को इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो y प्रोडक्ट में आ जाएगा, ठीक है, और यहां से हमें मिल जाएगा क्या, ये तो जीरो हो गया, यहां से मिलेगा log a, ठीक, y की वैल्यू रख दो जरा सा, y की वैल्यू आपका a टेन टू द पावर x log a आ गया, ठीक है, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 32 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 32 डिफरेंशिएट एक्स टेंडिंग टू साइन एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन वाई इज इक्वल टू एक्स टेंडिंग टू साइन एक्स हमने मान लिया, ठीक है, लॉग ले लो बोथ साइड पे, ठीक है, चलो लॉग ले लिया हमने, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टेंडिंग टू साइन एक्स, पावर आ गया आएगा, आ गया, ठीक है, साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है, ये लॉग वाई तो अपने पास में पहले से, ठीक। अब देखो प्रोडक्ट रूल यहां पे अप्लाई करेंगे हम, डिपेंड करता है आप किसको फर्स्ट फंक्शन मानते हो और किसको सेकंड मानते हो, ठीक है। तो देखो लॉग वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा क्या, वन अपॉन वाई, और वाई का अगेन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को मैंने छोड़ दिया, चलो कॉपी कर लिया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स प्लस, अब लॉग का कर चुके तो लॉग को छोड़ दिया हमने, ठीक, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स मिल गया, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू इस वाई को मैं राइट हैंड साइड पे लेके चलता हूं तो वाई इंटू ये मिल जाएगा हमें यहां से साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, वाई की वैल्यू को रखो जो है आपके पास में, तो एक्स टेंडिंग टू साइन एक्स है और ब्रैकेट्स में आपके पास में साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स है प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स है, ठीक है, ये आपके पास में,
आप चाहो तो आंसर यहां छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें क्या कर सकते हो, वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो, क्या कर सकते हैं जरा देखो, ठीक। इन दोनों को पहले प्रोडक्ट करेंगे, जरा सा ध्यान दीजिएगा। एक्स टेंड इन टू साइन एक्स इन टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स टेंडिंग टू साइन एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इस एक्स को न्यूमिरेटर में लेके जाऊंगा, जब जाऊंगा तो क्या होगा कि एक्स जो है इनवर्स हो जाएगा, शो करके आपको दिखाते, देखिए। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको न्यूमिरेटर में लेके जाएंगे तो इनवर्स में आएगा, ठीक है, इन टू एक्स टेंडिंग टू साइन एक्स इन टू साइन एक्स प्लस एक्स टेंडिंग टू साइन एक्स इन टू कॉस एक्स लॉग एक्स, ठीक, ये मिल जाएगा। अब देखो बेस दोनों का सेम है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि एक्स टेंडिंग टू साइन एक्स माइनस वन, ठीक है, इन टू साइन एक्स, ठीक है, प्लस एक्स टेंडिंग टू साइन एक्स इन टू, अच्छा ये मल्टीप्लाई में लग रहा है ना, इसके पावर में, कॉस एक्स लॉग एक्स, ऐसे में ध्यान रखना इस बात को, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, इससे बेहतर ब्रैकेट्स को यूज कर लो, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है, ठीक है, कॉपी किया। लास्ट एग्जांपल करेंगे 33। एग्जांपल 33 है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ वाई टेंड टू द पावर एक्स प्लस एक्स टेंड टू द पावर वाई प्लस एक्स टेन टू द पावर एक्स इज इक्वल टू ए टेन टू द पावर बी। एग्जाम्पल जो 33 है और एग्जाम्पल 30, 31, 32, इनमें काफी डिफरेंस है, क्योंकि जो एग्जाम्पल आपने 30 से लेकर 32 तक किए, ठीक, वो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पे बेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है। एक्स रेस टू द पावर एन पे जो क्वेश्चन था वो हमें सॉल्यूशन करने में काफी इजी होता है, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन अगर आप देखें तो ये फंक्शन जो है सम के फॉर्म में है, तो सम के फॉर्म में अगर क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले आप कुछ ना कुछ कंसीडर करोगे, ठीक है, पी क्यू आर कंसीडर कर लो या तो यू वी डब्ल्यू कंसीडर कर लो अपने सुविधा के हिसाब से, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट यू इज इक्वल टू वाई टेन टू द पावर एक्स, v इज इक्वल टू एक्स टेन टू द पावर वाई एंड एक्स टेन टू द पावर एक्स इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं, यानी कि w इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स टेन टू द पावर एक्स, ठीक। तो u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a टेन टू द पावर b, क्योंकि हमने माना है ना u इज इक्वल टू y टेन टू द पावर एक्स और v इक्वल टू हमने माना x टेंड टू द पावर y और w इक्वल टू हमने माना x टेंड टू द पावर x, ठीक है। अब कर दो इसे डिफरेंशिएट, जब डिफरेंशिएट u का करोगे तो आपको मिलेगा du अपॉन dx और v का करोगे तो मिलेगा dv अपॉन dx और w का करेंगे तो मिलेगा आपको dw अपॉन dx और a टेंड टू द पावर b का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है। आप यहां लिख लें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ठीक है, हम डायरेक्ट कर दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी अपॉन डीएक्स हमें निकालना है, उसके बाद में डीवी अपॉन डीएक्स निकालना है, डीडब्ल्यू अपॉन डीएक्स निकाल के हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे। तो u हमारे पास में है u इज इक्वल टू y टेन टू द पावर x, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सबसे पहले आप लॉग लोगे, ठीक है, तो लॉग u ये बन जाएगा और लॉग y टेन टू द पावर x। अब देखो कितना इजी हो गया, x पावर में है आगे आ जाएगा, ठीक है, x लॉग y
और log u को हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब करो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ सेट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो log u का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा 1 बाई यू, और अगेन आप u को करोगे तो du अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो यहां पर ये प्रोडक्ट में आ गया, तो इसे मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूं, इसे मैं सेकंड फंक्शन मान लेता हूं, तो फर्स्ट फंक्शन को मैंने छोड़ दिया, और log का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं log y का क्या होगा, y, अगेन आपको करना पड़ेगा किसका, y का, ठीक है, तो y का करेंगे तो dy अपॉन dx मिल जाएगा, ठीक है। अब log को छोड़ दो, log y को, ठीक है, क्योंकि हम एक बार कर चुके हैं, x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। आइए जरा सा इधर करें, इस u को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू x बाई y dy अपॉन dx और प्लस log y, ठीक है, log y, u का वैल्यू आप यहां पे आप रखें, जब रखेंगे u का वैल्यू तो du अपॉन dx इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा y टेन टू द पावर x, ठीक है, x बाई वाई डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा y टेन टू द पावर x इंटू एक्स बाई वाई डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस y टेन टू द पावर x लॉग y, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस y को हम नोमिनेटर में लेके जाएंगे, ठीक है, तो देखिए y इनवर्स ये हो जाएगा हमारा, और y टेन टू द पावर x इंटू एक्स डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस y टेन टू द पावर x log y, ठीक है। क्या हम देखो इन दोनों को अगर देखा जाए, गौर से देखो इन दोनों को अगर बेस देखोगे तो सेम है, तो हम लिख सकते हैं y टेन टू द पावर x माइनस वन इंटू x डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस y टेन टू द पावर x log y, ठीक है। तो यहां से तो अभी हमने du अपॉन dx निकाले, ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिमिलर करेंगे dv अपॉन dx के लिए और dw अपॉन dx के लिए। अब आगे भी काम करते हैं, देखिए तो v इज इक्वल टू हमारे पास में है x टेन टू द पावर y, ठीक है, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ हम ले लेंगे क्या log, चलिए तो log v इज इक्वल टू log x टेन टू द पावर y, ठीक है, पावर आगे आएगा तो log v इज इक्वल टू y इंटू log x मिल जाएगा, ठीक है। अब हम इजिली से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, करते डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करोगे log v का तो आपको मिलेगा 1 अपॉन v, और अगेन v का करोगे तो आपको मिलेगा dv अपॉन dx इज इक्वल टू y को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, हमने इसे छोड़ दिया, और log x को हमने सेकंड फंक्शन माना, उसका कर दिया हमने डिफरेंशिएशन, तो हमें मिलेगा 1 बाई x, ठीक है, बीच में प्लस होता लिख दिया, ठीक है। हमने log x का कर चुके हैं तो इसको कॉपी कर लिया, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें से यहां मिल जाएगा क्या dy अपॉन dx, ठीक है। अब क्या करना है, इस v को हमें शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पे, ठीक, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू v इंटू y बाई x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए इसे, और प्लस log dy अपॉन dx, ठीक है, dy अपॉन dx, v की वैल्यू रखो जरा, v की वैल्यू आपके पास में x टेंडिंग टू पावर y, ठीक है, और इसको हम प्रोडक्ट कर देते हैं साथ में, y बाई x प्लस मल्टीप्लाई log के साथ करेंगे x टेंडिंग टू y log x dy अपॉन dx, ठीक है। सिमिलर जो काम हमने इसमें किए तो बिल्कुल इसमें ऐसे ही करेंगे क्योंकि बेस सेम है, तो हमने क्या किया x टेंडिंग टू y
हमने x को न्यूमरेटर में लेके चला गया तो इनवर्स होगा प्लस x टेंडिंग टू y log x dy अपॉन dx, ठीक है। और हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू, फाइनली हमें यहां से मिल जाएगा x टेंडिंग टू y माइनस वन इंटू y, ठीक है, y को हम आगे लिख लेते हैं, ठीक, प्लस x tending to y log x dy upon dx, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है क्या dw upon dx, पहले यहां पर कॉपी किया जाए। अब सिमिलर फाइंड करेंगे dw upon dx को, ठीक है, w is equal to x tending to power x है, log लेने पहले बोथ साइड पे, ठीक है, तो टेकिंग log both side, ठीक है, log w is equal to log x tending to power x, power आगे आएगा, ठीक है, तो x log x और log omega को हमने copy कर लिया, मैं w read out कर रहा हूं, ऐसे omega इसको पढ़ते हैं, ठीक है, चलिए अब क्या करना है, सिंपल हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो लॉग ओमेगा का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो आपको मिलेगा यहां से वन अपॉन ओमेगा और डी ओमेगा अपॉन डी एक्स, ठीक है। देखिए यहां पे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को फर्स्ट फंक्शन हम एक्स को मान लेंगे, सेकंड फंक्शन लॉग को मान लेंगे, तो अब क्या किया हमने, यहां से एक्स को मैंने छोड़ दिया, लॉग का कर दिया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स, ठीक है, log x का कर चुके हैं उसको छोड़ देंगे, log x को छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये x से x एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक, इस ओमेगा को हम राइट पे लेके जाएंगे, तो d ओमेगा अपॉन dx इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस log x, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू रखेंगे x टेंडिंग टू x 1 प्लस log x। अब क्या करना है, अब ये करना आपको, जो आपने वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हो du अपॉन dx, dv अपॉन dx और dw अपॉन dx, उसको हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे, ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑफ du अपॉन dx कॉमा dv अपॉन dx एंड dw अपॉन dx इन इक्वेशन वन, ठीक है, इक्वेशन वन में हम इसकी वैल्यू को रख रहे हैं, इक्वेशन वन में रखेंगे, तो देखिए हमारे पास में डी अपॉन डी एक्स है एक्स इंटू वाई टेंडिंग टू पावर एक्स माइनस वन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई टेंडिंग टू एक्स इंटू लॉग वाई, ठीक, एक कंप्लीट हो चुका, ठीक, हम इसको ब्रैसेस में लेके चलेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना, डीवी की वैल्यू रखते हैं डीवी अपॉन डीएक्स का, तो प्लस का साइन है रहने दिया, ठीक है, वाई इनटू एक्स टेंडिंग टू वाई माइनस वन प्लस एक्स टेंडिंग टू वाई लॉग एक्स डीवाई अपॉन डीएक्स, ठीक है, ऐसा करो ब्रैकेट को हटा कर स्टेप हमारा बच जाएगा, ठीक है, और अगर ओमेगा की वैल्यू हम रखने जाएंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा x टेंडिंग टू x ब्रैकेट 1 प्लस log x, ठीक, अब क्या करना है हमें, हमें यह करना है कि dy अपॉन dx वाले जो टर्म है उसको हम कॉमन ले लेते हैं और अदर जो है dy अपॉन dx उसके अलावा हम सारे को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है, तो मैं इसे यहां पे रोक लेता हूं और इसको रोक लेता हूं, उसके अलावा जो टर्म है उसको राइट पे लेके जाता हूं, तो x इंटू y टेंडिंग टू x माइनस वन, ठीक है, प्लस इस टर्म को देखिए x टेंडिंग टू y log x और हमने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया dy अपॉन dx, ठीक है, इज इक्वल टू, सबसे पहले इस टर्म को हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक, तो माइनस एक्स टेंडिंग टू एक्स
ब्राइस से इज वन प्लस लॉग एक्स, ठीक, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, हमारे ये दो टर्म है प्लस तो माइनस, वाई टेंडिंग टू एक्स लॉग एक्स, ठीक है, ये भी कंप्लीट कर चुके हैं, बचा ये लास्ट हमारा, ठीक है, इनटू वाई इनटू, अच्छा सॉरी इनटू नहीं है, माइनस होगा ना, हाँ माइनस होगा, ठीक, वाई इनटू एक्स टेंडिंग टू वाई माइनस वन, ठीक है, ये टर्म हमारा सारे शिफ्ट कर चुके हैं, अब इधर देखिए, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x टेंडिंग टू x 1 प्लस log x माइनस y टेंडिंग टू x log x माइनस y इंटू x टेंडिंग टू y माइनस 1 और डिवाइडेड बाय ये पूरे टर्म डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, तो x इंटू y टेंडिंग टू x माइनस 1 प्लस x टेंडिंग टू y log x, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट आंसर, देखिए क्या आंसर इसका दिया हुआ है, अपना आंसर सही है, देखो किया क्या गया है, थोड़ा सा अरेंजमेंट किया है, अरेंजमेंट ये किया कि माइनस को ले लिया इन्होंने कॉमन, ठीक है, और लिखा है y टेंडिंग टू x log x प्लस y इनटू x टेंडिंग टू y माइनस 1 प्लस x टेंडिंग टू x ब्रैकेट्स 1 प्लस log x, ठीक है, और डिवाइड में सिमिलर है मिल जाए, x इंटू वाई टेंडिंग टू x माइनस वन प्लस x टेंडिंग टू y log x, ठीक है, ये कंप्लीट आपका आंसर है।